हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज की अपडेट है आपके लिए महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, महाराष्ट्र मेट्रो की तरफ से काफी सारी अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हैं और उसकी एडवर्टाइजमेंट की डिटेल आप सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दोस्तों 14 दिसंबर 2020 सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है 21 जनवरी 2021 रात 12 बजे तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते। इसमें दो अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी आई है, पहली सुपरवाइजरी, दूसरी नॉन सुपरवाइजरी। तो पहले बात करते हैं सुपरवाइजरी वैकेंसी को लेके। सबसे पहली वैकेंसी है स्टेशन कंट्रोलर के लिए। इसमें आपकी सैलरी 33,000 रुपये रहेगी और बाकी के अलाउंसेज एड ऑन होंगे। इसमें कुल 56 वैकेंसी हैं। कोई भी कैंडिडेट जिसके पास 3 साल का डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिक फील्ड का, वो सभी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें कैंडिडेट जो है 18 से 28 के सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं और इन्होंने एक मैंडेटरी चीज मांगी हुई है कि कैंडिडेट को मराठी लिखनी, पढ़नी और बोलनी आती। अगली वैकेंसी है सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल के लिए। इसकी सैलरी आपकी 40,000 रुपये बेसिक रहेगी, बाकी के अलाउंसेस। इसमें कुल 4 वैकेंसी हैं। वो सभी कैंडिडेट जिनके पास 4 साल की डिग्री है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, वो सभी कैंडिडेट यहाँ एलिजिबल हैं। अगली वैकेंसी है सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल की। इसमें आपकी बेसिक सैलरी 40,000 रुपये रहेगी। इसमें कुल पोस्ट 4 हैं। वो सभी कैंडिडेट जिनके पास 4 साल की रेगुलर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री है, वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे। अगली है इसमें सेक्शन ऑफिसर आईटी के लिए। इसमें भी आपकी बेसिक सैलरी जो है 40,000 रुपये रहेगी। कुल वैकेंसी यहाँ पे 1 है। किसी भी कैंडिडेट के पास 4 साल की कंप्यूटर आईटी की इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो वो कैंडिडेट यहाँ एलिजिबल। अगली वैकेंसी है सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। यहाँ पे भी आपकी सैलरी 40,000 रुपये बेसिक रहेगी, बाकी के अलाउंसेस गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग रहेंगे। यहाँ कुल वैकेंसी 5 है। किसी भी कैंडिडेट के पास अगर 4 साल की इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री है, तो पे वो एलिजिबल होगा। अगली वैकेंसी है सेक्शन ऑफिसर मैकेनिकल के लिए। इसमें भी आपकी सैलरी 40,000 रुपये बेसिक रहेगी, बाकी के अलाउंसेस एज पर गवर्नमेंट रूल। इसमें कुल 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। इसमें भी आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 4 साल की डिग्री होनी चाहिए। और दोस्तों, इन सभी पोस्ट के लिए जितने भी सेक्शन ऑफिसर की अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट आई है, इनमें कैंडिडेट की उम्र जो है 18 से 28 वाले कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं और सारी पोस्ट के लिए मराठी लिखनी, पढ़नी और बोलनी आनी कंपलसरी है। तो अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हो, वही सारे कैंडिडेट यहाँ एलिजिबल होंगे। अगली वैकेंसी है जेई इलेक्ट्रिकल के लिए। यहाँ आपकी सैलरी 33,000 रुपये रहेगी। यहाँ कुल पोस्ट 8 हैं। कोई भी कैंडिडेट जिनके पास 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है, वो सब कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल। अगली पोस्ट है जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इसमें कुल पोस्ट जो है 3 है और यहाँ आपकी सैलरी 33,000 रुपये रहेगी। यहाँ पे किसी भी कैंडिडेट के पास अगर डिप्लोमा है 3 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में, तो वो सभी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे। अगली पोस्ट है जेई मैकेनिकल के लिए। इसमें आपकी सैलरी 33,000 रुपये रहेगी। यहाँ कुल 6 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आई है। किसी भी कैंडिडेट के पास अगर 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है, तो वो कैंडिडेट यहाँ एलिजिबल होगा। अगली पोस्ट है जेई सिविल के लिए। इसके लिए कुल 2 पोस्ट हैं यहाँ पे और आपकी सैलरी इसमें 33,000 रुपये बेसिक रहेगी। यहाँ कैंडिडेट के पास कम से कम 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कंपलसरी होगा, वो सभी कैंडिडेट यहाँ एलिजिबल होंगे। और इन सभी जेई की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच की पोस्ट के लिए कैंडिडेट की उम्र जो है वो 18 से 28 होनी चाहिए। साथ ही कैंडिडेट को मराठी लिखना, पढ़ना और बोलना आना कंपलसरी होगा। अगर आप ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें दोस्तों, वो सभी कैंडिडेट जो अपने फाइनल ईयर के एग्जाम दे रहे हैं, देने वाले हैं या दे चुके हैं और उनका रिजल्ट अवेटेड है या अभी आया नहीं है, वो सभी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के। बशर्ते इंटरव्यू के टाइम पे आपको अपनी मार्कशीट की कॉपी वहाँ पे सबमिट करनी होगी। दोस्तों, बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। इसमें जो स्टेशन कंट्रोलर का प्रोसीजर होगा, उसमें सबसे पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, देन आपका साइको टेस्ट होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू और फिर मेडिकल टेस्ट होगा। यानी 4 स्टेजेस में आपके अलग अलग
टेस्ट होंगे, देन आप फाइनली सिलेक्ट होंगे। और सेक्शन ऑफिसर की और जेई की जितने भी पोस्ट हैं उनका 3 स्टेज में टेस्ट होगा। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू और फिर मेडिकल होगा। तो अब बात करते हैं ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट की। ऑनलाइन टेस्ट में आपके 3 अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं। पहला सेक्शन जो है पार्ट 1, उसमें आपको 15 क्वेश्चन मराठी लैंग्वेज के दिए जाएंगे, जिसमें से कम 40% स्कोर करना एलिजिबल होगा, तभी आप पार्ट 2 और पार्ट 3 के एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। पार्ट 2 का एग्जाम में जो है आपका GK, रीजनिंग और मैथ आएंगे। ये पेपर आपका इंग्लिश मीडियम में हो। थर्ड पार्ट में आपका जो है ट्रेड टेस्ट होगा। जो भी कैंडिडेट जिस भी ट्रेड से कंसर्न है, उस कैंडिडेट को उसी ट्रेड के अकॉर्डिंग या उस ट्रेड से रिलेटेड 100 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। और फर्स्ट पेपर इसमें जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपकी मेरिट, आपका सिलेक्शन जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो है वो पार्ट 2 और पार्ट 3 के नंबर के अकॉर्डिंग होगा। तो अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन दोस्तों गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग रहेंगे और एज रिलैक्सेशन की डिटेल आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फी। जनरल कैटेगरी, OBC, EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो इसमें ₹400 रहेगी। SC, ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस जो है ₹150 रहेगी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें और ऐसे ही जॉब रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।